गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चाय बन रही है और दोनों गैस पे चाय ही रखी है, तो अभी दूध डाल देंगे और चाय को खौला लेते हैं। और इसमें आलू रखी है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते, जय माता दी। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर चाय बन रही है, दोनों गैस पे रखी हुई हैं। आप बताइए, दोनों एक में बगैर चीनी की और एक चीनी वाली चाय बनती है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये सेवैयाँ हैं, तो इनको भून लेंगे हल्का सा, मतलब कलर आने तक हमें भूनना है। और यहाँ पर ये प्याज टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह है, ये कट करेंगे। तो शिमला मिर्च हमने हटा दी थी और प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह कट कर। और फ्रेंड्स ये देखिए सेवई हैं, वो भुन गई हैं। ड्राई रोस्ट किया था इनको, तेल और घी कुछ भी डाल के नहीं भुना है, ऐसे ही भुन लिया है। और अब भुन चुकी हैं तो इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में ही तेल डालकर छौंक देंगे सेवई को। तो यहाँ पर तेल डाल दिया था, गर्म हो गया, तब डाला इसमें जीरा और प्याज, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के भून लेंगे। हल्का सा जब कलर चेंज हो जाएगा प्याज का, तब इसमें हम डाल देंगे हींग और टमाटर वगैरह। तो यहाँ पर थोड़ी सी हींग डाली थी और जब प्याज का कलर चेंज हो गया तो फिर हमने डाल दिया इसमें टमाटर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर टमाटर जब अच्छे से गल जाएंगे तब उसके बाद में फिर जो मसाले हैं वो डाल देंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखिए टमाटर वगैरह सब अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पर डाल दिया थोड़ी सी हल्दी और मैगी मसाला, बाकी और कोई भी मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च पहले से ही डाली है, तो लाल मिर्च नहीं डाली है और धनिया ये सब कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैगी मसाला और थोड़ी सी हल्दी डाली है। तो सारी चीज़ें जब भुन गई हैं तो सिवई डाल के और अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर डाल देंगे इसमें पानी, तो पानी उतना ही डालिएगा जितना मतलब सिवई डूब जाए, तो अच्छी सी खिली खिली सी बनती है, नहीं तो फिर वो मैसी जैसी हो जाती हैं। तो ये देखिए इतना पानी डाला है, थोड़ा सा भी और डालेंगे तो बस थोड़ा सा और डाला है। और बस इसको ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स दूध वगैरह लेके आए, तब तक ये देखिए सेवैयाँ हमारी बन गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली सी बनी है, बहुत अच्छी सी बन गई है। और अभी लगा लेते हैं प्लेट। तो यहाँ पर पापा लोगों के लिए प्लेट लगा रहे हैं, तो सिवई हैं और चाय। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने नाश्ता पापा के लिए लगा लिया है, सिवई है, चाय है और इस थाले में भी यही है। तो अभी दे के आते हैं नाश्ता, तो चलिए दे के आते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने भी लगा लिया है अपने लिए नाश्ता, ये देखिए चाय है और सिवैया है। तो अभी नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद में बाकी काम करेंगे। अभी दूध वगैरह गर्म करना है तो वो भी गर्म कर लेंगे, पहले नाश्ता कर लेते हैं। दूध रख दिया है गर्म करने के लिए और यहाँ पर देखिए बर्तन है, तो बर्तन भी साफ़ करने हैं। साफ करने के बाद फिर वो जाना है वगैरह करेंगे, छोटी बच्ची को लेने जाना है। तो चलिए बर्तन धुल लेते हैं, तब तक दूध गर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए बर्तन भी धुल गए हैं, यहाँ पर देखिए रखे हैं बर्तन वगैरह सब साफ कर लिए हैं और दूध गर्म हो रहा है, टाइम हो रहा है छोटी वाली को लाने का। गर्म करके फिर जा रहे हैं उसको लेने, फिर आकर कपड़े धुलेंगे और फिर खाना बनाएंगे। तो फ्रेंड्स छोटी वाली बेटी को लाने के बाद में फिर सारे कपड़े वगैरह धुले हैं, ये देखिए सारे कपड़े धुल गए हैं, पूरे आंगन में कपड़े कपड़े पड़े हैं। और उसके बाद में फिर थोड़ी देर धूप में बैठे, अब जा रहे हैं नीचे। तो नीचे जाने के बाद में फिर खाना वगैरह बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आ गए, फिर यहाँ आलू वगैरह बॉईल कर लिया था सुबह ही, तो उनको छील लिया और यहाँ पर शिमला मिर्च निकाली है, साथ में
टमाटर वगैरह हैं तो सारी चीज़ें स्टफ करके बनानी है। तो अभी पहले ये शिमला मिर्च वगैरह कट करके रख लेंगे, अंदर से जो भी इसका बीज वगैरह होता है वो सब निकाल के रख लेंगे। और फिर उसके बाद में आलू का मसाला बनाएंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ जो कुकर रखा है उसमें दाल बन रही है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स नाइफ से नहीं निकल रहा था तो इसलिए फिर चम्मच से निकाल लिया। फ्रेंड्स ये देखिए शिमला मिर्च, टमाटर और एक ये घर के पेड़ से बैंगन निकला हुआ है एक, तो ये भी भर के बनाएंगे। तो यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च को कट कर लिया है और ये आलू सुबह उबाल के रखे थे तो इनको भी मैश कर लेंगे। और यहाँ पर फ्राई पैन रख दिया है, अभी बनाएंगे हम आलू मसाला और फिर उसके बाद में भर के भरवा शिमला मिर्च और टमाटर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फ्राई पैन रख लिया है, तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो जाएगा तो फिर मसाला तैयार करेंगे। और आज की वीडियो में आप लोगों को आवाज़ बहुत सुनाई देगी, तो बाहर बच्चे खेल रहे थे तो वहीं से आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया तो डाल दिया है हमने जीरा और हींग, और फिर उसके बाद में प्याज डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है और अच्छे से भून लेंगे। जब ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाएगा तब इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आलू है तो उनको मैशर से मैश कर लेंगे जब तक प्याज हमारा भून रहा है। तो इस तरीके से रफली उनको मैश करना, ज़्यादा बिल्कुल फाइन नहीं करना है, हल्के से चंक्स रहने चाहिए आलू के। तो इस तरीके से हल्के हल्के से फोड़ लिए हैं, तब तक यहाँ पर हमारा प्याज हो गया। और फिर इसमें हमने डाल दिया हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा पानी डाला है 2 चम्मच के करीब, और पानी डालकर बस अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर डाल दिया उसमें आलू, और आलू डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें नमक वगैरह सारी चीज़ें सारे मतलब मिक्स करके भूनना है हमको, सारे मसाले करके। और यहाँ पर ये चिली फ्लेक्स रखा हुआ था तो ये भी डाला है, थोड़ा सा ऑर्गेनो डाला है, इसका टेस्ट अच्छा लगता है, टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए आलू अच्छे से भून लेंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद में नमक वगैरह डाल देते हैं। नमक डाल के भी अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए फ्रेंड्स मसाला रेडी है और देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी था। और फिर उसके बाद ये चम्मच की सहायता से इस तरीके से मसाला जो है आलू का वो टमाटर में और शिमला मिर्च में इस तरीके से स्टफ कर लेंगे, सारा अच्छे से दबा दबा के भर लेंगे। और साथ में ही इस तरीके से मतलब पैन रख दिया है थोड़ा सा तेल डाल के, और तेल गर्म हो गया है तो उसमें जो इस तरफ से आलू भरा है उसी तरफ से रख देंगे उसमें। तो आलू तो पका ही है, बस टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे और भुन जाएंगे अच्छे से, मतलब तो सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब शिमला मिर्च हैं वो भी देने, तो हमने टमाटर 3 ही किए हैं क्योंकि हस्बैंड जी का मन था तो हस्बैंड जी और पापा लोगों के लिए किया है, बाकी हमें तो शिमला मिर्च पसंद है तो शिमला मिर्च भी बना लिया है। और यहाँ पे बड़ी वाली बेटी थी तो पूछ रही थी कि ये किस तरीके से बनाया जाता है तो उसी को बता रहे थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारे रख दिए हैं, और आप लोग भी देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ पर दाल हो गई थी तो इसमें जीरा हींग का तड़का लगाया है, और टमाटर वगैरह डाल के हमने दाल पहले बना लिए थे, साथ में चावल निकाले तो चावल भी साफ़ कर लिया। ये देखिए हमारे शिमला मिर्च और टमाटर बन के तैयार है, आटा भी लगा लिया है और चावल भी हो गए हैं, गैस ऑफ कर दिया है। टाइम हो रहा है 1:15 का, और अभी जा रहे हैं रोटी बनाने।
तो रोटी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं जब फिर थाली लगाएंगे तब आपको दिखाते हैं। यहाँ इसमें चावल बन गए, इसको उठा के टेबल पर रख देते हैं। तो चलिए बना लेते हैं रोटी। तो फ्रेंड्स रोटियाँ बन गई थी, तो ये रही आज की लंच थाली, और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।